हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजी लवर 02। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है दोस्तों? रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, ठीक है दोस्तों। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? श्वसन। अब हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आपको पता है जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना क्या होता है, अंदर जाकर के किस में प्रेस चेंज हो जाता है, वो ग्लूकोज में, ठीक है। तो मैं आपको इसका मतलब बताना चाहती हूँ रेस्पिरेशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड से होते हुए क्या करता है, वो फिर जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको जलाता है, ठीक है, उसको बर्निंग करता है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे बॉडी में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो वही क्या है, वही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया बोली जाती है, ठीक है। यानी बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड रिलीज CO2 वाटर एंड हीट, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज को जलाया जाता है तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको भी बताती हूँ दोस्तों। ये है कोशिका, ठीक है, यानी सेल। हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है इसमें, C6H12O6। मतलब जब भी हम खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना है वो किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया की कैसे होती है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम ऑक्सीजन लेते हैं यानी सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे ब्लड में जाकर के घुलकर वो क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 को क्या कर देता है, जला देता है, ठीक है, यानी बर्निंग यानी जला देता है, ठीक है। और C6H12O6 के जलने से क्या रिलीज होता है हमारी बॉडी से, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट या बोलो एनर्जी, ठीक है। ये क्या होता है, रिलीज होता है जब हमारे बॉडी के अंदर C6H12O6 का बर्निंग होता है, किसके प्रेसेंस में, ऑक्सीजन के प्रेसेंस में। और दोस्तों जो सेल होती है इसको क्या बोला जाता है, सेलुलर फ्यूल बोला जाता है, ठीक है, यानी हमारा कोशिका ईंधन बोला जाता है। कोशिका ईंधन या सेलुलर फ्यूल किसलिए बोला जाता है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन के प्रेसेंस में हमारा C6H12O6 का बर्निंग होता है तो क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है, हीट रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कार होती है, ठीक है, कार में क्या पेट्रोल डलता है, तो पेट्रोल मतलब उसका जो फ्यूल होता है वो जलता है, तो क्या होता है, उसको भी एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन क्रिया से, ठीक है। अभी हो गया, अब आपको हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वाटर प्लस हीट कैसे निकलता है। दोस्तों आपने सर्दी में देखा होगा जैसे कि हम कंबल ढक करके सो जाते हैं, फोन वगैरह चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, व्हाइट व्हाइट मतलब एक तरीके से हीट सा या पानी से जम जाता है, ठीक है, फोन पे, फोन की स्क्रीन के ऊपर, तो वो ही क्या होता है, वो वाटर होता है। और हीट जैसे कि अगर एक ही रूम में मतलब एक पर्सन हो या फिर उससे भी ज्यादा अगर पर्सन होते तो वो क्या करते हैं, आपस में श्वसन क्रिया करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मतलब हम लेते हैं फिर CO2 छोड़ते हैं, तो जिससे क्या होता है, उस रूम में क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, तो वो एक क्रिया क्या कहलाती है, हमारी श्वसन क्रिया। तो दोस्तों ये प्रोसेस हमारा हो गया यहाँ तक कंप्लीट, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं आगे स्टार्ट, बात करते हैं हम रेस्पिरेशन में मेन ऑर्गन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन में मेन ऑर्गन क्या होता है दोस्तों, लंग्स, ठीक है। तो मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन आर लंग्स। लंग्स जो होते हैं वो मेन क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं हमारे रेस्पिरेशन में। अब हम बात करते हैं लंग्स के ऊपर, कुछ बेसिक टॉपिक है जो आपके लिए आगे भी काम आएगी, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं फर्स्ट स्टडी ऑफ लंग्स। स्टडी ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी, ठीक है। दूसरा क्या है, वेट कितना होता है। तो दोस्तों लंग्स का जो वेट होता है 1.3 to 1.7 kg होता है, ओके। अब ये कौन से मेम्ब्रेन में क्या होता है, स्थित होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, जो इसका मेम्ब्रेन है यानी झिल्ली है, प्लूरल मेम्ब्रेन यानी प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ठीक है, कि हमारे लंग्स के क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फर्स्टली जो दोस्तों है वो क्या है, ट्राकिया, दूसरा है ब्रोंकलाई, तीसरा है क्या है, ब्रोंचुलस, और फोर्थ क्या है, एल्वोइड, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों ये क्या है,
ट्रेचे यानी जिसको क्या बोला जाता है, सबसन नली। ठीक है, इसमें रिंग्स होते हैं जो छोटे छोटे क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसके बाद इसमें जो ये होते हैं, क्या होते हैं हमारे, ब्रोंचलाइज। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को क्या बोला जाता है, ब्रोंचलाइज। ब्रोंचलाइज से क्या बनते हैं हमारे, लंग्स। ठीक है, अब आपको इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, जो ये लंग्स है राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है, तो इसमें डिफरेंट क्या है कि जो ये लंग्स है क्या है, थोड़ा साइज में बड़ा है, और ये क्या है, साइड से इधर से पिचका हुआ है। ये पिचका हुआ क्यों है, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, कार्डियक नोच। इसको क्या बोला जाता है, कार्डियक नोच। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्रोंचलाइज। इसके बाद इसमें से जो ये क्या होते हैं, ब्रोंचलाइज होती है। ठीक है, ब्रोंचलाइज के बाद इसमें जो छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, लाइक ग्रेप्स या फिर बलून्स की तरह, इनको क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई बोला जाता है इनको। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स।